हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सीन कुछ यूँ है कि मेरी कज़न को आयुबी विज़िट करने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सहाने। जब तक मैं नहीं आई थी तो मुझे भी यही शौक था। अब मेरा तो एडमिशन लेने के बाद सारे शौक माठे पड़ गए हैं। अब इसे घुमा के लाते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, खसूसन इसे फिज़िक्स डिपार्टमेंट देखने का शौक है। ये भी बताओ क्यों शौक है? इंटरेस्ट भी फिज़िक्स डिपार्टमेंट में है क्योंकि इसने PhD करके रेडियोलॉजी डॉक्टर बनना है। ऐसा ही है अमन? बिल्कुल, यही नाम तो रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी, हाँ हाँ हाँ, यही था। तो अब हम इसको विजिट करवाने लेके जा रहे हैं। ओह बॉय, देखते हैं भाई। बाहर से तो यूनिवर्सिटी प्यारी है, जो भी को अपनी में से आला आप है देखने की हद तक। डिपार्टमेंट तो फिर अलग लेवल है, फिर आप कहीं और ट्राई मारें। लेकिन BS लेवल तक और कुछ डिपार्टमेंट अच्छे भी हैं इसके पढ़ने के लिए। ये नहीं कि सारे डिपार्टमेंट है, वो हर एक के अपने HOD अपने उस पर डिपेंडेबल करते हैं, और साथ खास तौर पर अपने स्टूडेंट्स पे। हम MC की तरफ जा रहे हैं, समझ लें अभी हम लोग MC पहुँचे भी नहीं हैं और अमन थक भी गई है। इतनी जल्दी अमन पूरी यूनिवर्सिटी में कैसे विजिट करोगी? रिक्शे होते हैं अमन, लेकिन यूनिवर्सिटी पैदल चाहिए था रिक्शा। वो फल्ला है अमन, यूनिवर्सिटी पैदल घूमने का नाम है देखने का। लेकिन चले देखते हैं इसकी कहाँ तक बस होती है और कौन कौन से डिपार्टमेंट देख सकती है। ये देखो, ऐसी बच्चियाँ जो कमज़ोर हो, जिनको ग्लूकोज की बोतल डेली लगती है, वो तो बिल्कुल नहीं पहुँच सकती। सही है अमन? इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर पाकिस्तान में भावलपुर के अंदर 1975 में तामीर की गई थी और ये अब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूलियत इख्तियार कर चुकी है। यहाँ पर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तक की एडमिशन्स होते हैं। रिसर्च भी करवाई जाती हैं जिसके लिए मुख्तलिफ मशीन्स तक अवेलेबल हैं और बहुत सी महंगी महंगी मशीन्स भी हैं। IUP के डिपार्टमेंट जितने मैंने देखे हैं उसमें मुझे सबसे अच्छा फिज़िक्स का डिपार्टमेंट लगा है। इनकी मशीनरी, यहाँ तक कि इनके कलर्स का नॉलेज भी लेवल का है। आई में फिर एक कलर और एक खसूसन लैब का आप लोगों को पूरा इंट्रो दूंगी जो कि बहुत ही अमेजिंग है। इम्पोर्टेंट नोट कि इस लैब में जूतों के साथ इंटर होना अलाउड नहीं होता है। टाइम उसको ज़ूम करता है। जैसे हमारे कैमरा में वो 2x, 3x, 8x ये ज़ूमिंग पावर है, इसमें वो जो ज़ूमिंग कैपेसिटी है वो 500 टाइम इनिशियली, देन 1000 टाइम, देन 2000, इस तरह से बढ़ती जाती है। इसके अंदर ना ये जो एरिया है इसके अंदर लेंसेज लगे हुए हैं, 12 लेंसेज हैं, वो डिफरेंट रेंज के ऊपर इसको जूम करते हैं जिससे हम एटम को देख सकते हैं और देन फाइनली इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं। तो अभी तक जो रिसेंट जो हमारी रिसर्च है उसके अंदर यही इंस्ट्रूमेंट है जो जस्ट एटम और इलेक्ट्रॉन को देख सकता है और कोई भी नहीं। तो जब हमारे यहाँ MPhil या PhD में आके रिसर्च स्टार्ट होती है तो रिसर्च में जो थोड़ा सा वो ज़्यादा महंगी है, ये उसकी नस्बत थोड़ा सा सस्ता है। लेकिन होता ये है कि हमें ये आपको हर यूनिवर्सिटी में भी मिल जाएगा। वजह ये होती है कि इनिशियल स्टेप पे आपको चाहिए ना, अगर ये इनिशियल स्टेप पे आप नहीं करेंगे फिर आपको पता कैसे चला फ्रॉड करेंगे। तो ये भी प्राइमरी जो हमें चेक करना होता है इनिशियल। हम यहाँ पे सैंपल अप्लाई करते हैं, यहाँ पे स्किन किस जगह पे सोर्स है। जैसे अभी सिस्टम हमारा ना ऑन है, एक इमेज आएगा कि मतलब ये आपकी पीक्स है, वहाँ से हम डिटेक्ट करेंगे कि आया ये बना भी है कि नहीं बना। तो इससे ये होता है कि हमें ना लाइक 100% तो नहीं हो सकता, साइंस है ना, तो यहाँ आपको 100% क्लू जाके SM देगी या TGA इससे हायर जो है। इनिशियली आपको होता ही है कि 70-80% ना आइडिया हो जाता है कि भाई आपकी प्रोडक्ट बन गई है या नहीं बनी। तो ये बहुत ज़रूरी है इनिशियल स्टेप पे। ये सामने वाला ये है TGA, थर्मोग्रेमेट्रिक एनालिसिस। अच्छा, अब देखें वो वाला इनिशियल स्टेप पे हो गया, वो करवाने के बाद आपको क्लियर हो गया जी मेरी प्रोडक्ट तो बन गई है। उसको फिर आगे आपने कैसे एनालाइज करना, देखिए ना मैंने कहा 70-80% आपको अंदाज़ा हो गया था। अब जो नेक्स्ट 20% है, मतलब हमें ये होता है कि रिसर्चर हमेशा कोशिश करता है कि 100-110% उसका उसके पास ऑथेंटिकेशन होने चाहिए, देन वो आता है इस पर TGA। ये क्या करता है, मिसाल के तौर पर आपने तीन चीज़ें कंबाइन किया, लाइक 1, 2, 3 और आपकी डी एक प्रोडक्ट मिल गई है।
ये क्या करता है, आप जब सैंपल रखेंगे ये उसको ना रिवर्स तोड़ेगा। मतलब कैसे, आपने पहले 1, 2, 3 पहले 1 और 2 को कंबाइन किया, देन 3 को कंबाइन किया, आखिर में कंबाइन कौन सा होगा, 3। ये पहले 3 को अलग करेगा, देन जो सेकंड टाइम पे कंबाइन हुए 2 और 1 उनको अलग करेगा। समझ आ रही है, ये जैसे जैसे उनको लाइक रिवर्स तोड़ेगा, उसको डिकम्पोज, रिवर्स डिकम्पोज करेगा, लाइक जो सबसे एंड में जुड़ा था वो सबसे पहले टूटेगा। समझ रही है, प्रोडक्ट में से तो वो फिर ये सॉफ्टवेयर में शो हो रहा है। कहना चाह रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए वो 3 चीजें जोड़ के एक नया, लाइक 3 हो 4 हो 10 भी होती है मालूम है। अब वो 10 चीजों से पहले 10 ही तोड़ेगा। हां, फिर 9 8 7 रिवर्स डीकंपोजिशन होगी। अब रिवर्स डीकंपोजिशन से ना हर एक का अलग से सिग्नल आएगा कि अब ये है, अब ये, अब ये। तो आपके सामने जैसे इमेज आएगा ना, उससे अंदाजा हो जाएगा कि वाकई ही जो मैं बनाना चाह रहा था वो बना है। समझ रही है। अच्छा, सेम फाइनल सेम से जो पीछे बनाएंगे तो ये पीजिए, ठीक है, उससे पीछे जाएंगे तो ये, मतलब इनिशियल से पहले वो, उसके वोल्टा मीटर या वोल्टा लैब में अलग। इसका बेसिकली काम क्या होता है कि जैसे अब वो तो जो तीनों हमने पीछे पढ़ी है ना, वो है जस्ट ट्राइज करने के लिए, मतलब आपकी प्रोडक्ट बनी भी है कि नहीं है, जस्ट इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट होता है जब आपने प्रोडक्ट बना ली, आपने आपका एक टारगेट भी था ना, हम किस मकसद के लिए काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ होता है, जैसे हम वाटर प्योरीफिकेशन पर काम कर रहे हैं, वाटर के अंदर कुछ चीज़ें हैं उन्हें निकालने के लिए। इस तरह आजकल जो सबसे ज़्यादा हो रहा है जी, बैटरीज पे, लिथियम आयन बैटरीज, जैसे अभी आपने सुना होगा ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं जो बैटरीज पे चल रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल जिन्हें हम कह रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो सबसे पहले किसी लैब में भी तो काम हुआ होगा, किसी ने प्रोडक्ट बना ली, बनाने के बाद वो ये कहना चाह रहा है कि मैं इसको बैटरीज में इस्तेमाल करूँ तो बैटरीज की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। उसको चेक करने के लिए, वो तो थी जस्ट प्रोडक्ट को चेक करने के लिए, ये है उस एप्लीकेशन पे, लाइक वो जो बैटरी है वो कितना टाइम इस प्रोडक्ट के यूज़ करने से कितना टाइम चलेगी। समझ रही हैं। तो इस पे हम बेसिकली क्या करते हैं, जो ये जितनी टाइप की भी बैटरीज हैं उनके इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल्स हैं उनको मेजर करते हैं। मतलब ये कि ये है अप्लाइड में और वो थी बेसिक्स में, जो तीनों पिछले टेक्निक है हमने डिस्कस किए वो जस्ट प्रोडक्ट की सिंथेसिस के दौरान किए हैं, कि बनी भी है कि नहीं बनी, क्योंकि अब आप एनालाइज करना चाह रहे हैं उसको आगे रिसर्च के अंदर। समझ रहे हैं। तो ये उसके जैसे एफएससी के अंदर ही हमारे पास है केमिस्ट्री का ये एक चैप्टर है, ये क्योंकि साइंस की अपनी कोई फील्ड नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सारा इंटरकनेक्टेड है, उसमें ये होता है एक है ऑक्सीजन, मतलब हम इसे यहाँ से ऑन करेंगे, इसको ना हम आफ्टर सर्टेन टाइम इसको हम ओपन कर सकते हैं यहाँ से। इसके अंदर क्या होगा ना, लाइक बिल्कुल ये व्हीकल जनरेट होगा इसके अंदर। इसमें ना जैसे हमारी वॉशिंग मशीन का नीचे रूटर होता है, रूटर घूमता है ना, रूटर घूमता है, इसके अंदर होता है रूटर। ठीक, रूटर में हम क्या करते हैं, साइड पे बॉक्स बने होते हैं, टेस्ट ट्यूब होते हैं, उसके साइज के टेस्ट ट्यूब होते हैं, हम क्या करते हैं जो सैंपल है उसके अंदर डालते हैं। इसका जो बेसिक मकसद है वो सेपरेट करना है, मतलब अलग अलग करना, दो चीज़ें मिक्स इस तरह से जैसे कि आप उन्हें अलग करना चाह रहे हैं या और आप ड्राई करना चाह रहे हैं, तो आप इसमें उन टेस्ट ट्यूब में डाल के उसके रूटर के अंदर ना डिफरेंट इस तरह से उनमें डालना है। अब ये रूटर घूमेगा, जो सिंपल हमारी वॉशिंग मशीन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 RPM आप कह सकते हैं 50-60 RPM होगी, आप राउंड पर मिनट, मतलब जो वॉशिंग मशीन है मेरे ख्याल में ऐसे ही है कि 50 से शायद आपको ज़्यादा ज़्यादा होगा, 100-120 टाइम वो एक मिनट में घूमती है जो रूटर होता है उसका। इस ये जो है 1,00,000 RPM तक घूमती है, एक मिनट में 1,00,000 दफा वो घूमती है। समझ रही है, डिजिटल है। और ये भी साउथ पंजाब के अंदर होता ही करेगी, ये इसका जो सबसे ज़्यादा अहम काम है इसका वो है DNA एनालिसिस। जो DNA है ना, DNA के सैम्पल्स को अगर हमने अलग करना होगा तो वो इसका सहारा लेते हैं, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा ऐसा चाहिए होता है जिसके अंदर RPM उसके मैक्सिमम होने चाहिए। देखिए, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपस में कंबाइन है, एक ही कलर आप इसमें डालेंगे होगा क्या, जब निकालेंगे ना दो डिफरेंट कलर और बिल्कुल अलग अलग होगा, मतलब इजीली उसे सेपरेट आउट कर लेंगे, एक ऊपर होगा एक नीचे। हाँ, एग्जैक्टली। सम टाइम ऐसा होता है आपने लिक्विड इसमें अप्लाई किया और जब आप बाहर निकालेंगे उसमें सॉलिड बिल्कुल नीचे होगा बॉटम पे और बाकी लिक्विड, और सॉलिड भी इस तरह से होगा, आप उस टेस्ट ट्यूब को ऊपर करके गिराएंगे आपका लिक्विड निकल आएगा, सॉलिड नहीं चल पाएगा, मतलब फिर आराम से आप निकाल सकते हो, मतलब इतना इसका हाई।
वहाँ हमने मटेरियल बनाया उसके ऑक्सीडाइजिंग पावर कुछ आ रही है, अब उसकी पावर को हमने डबल करना है, ट्रिपल करना है, तो हम उसमें एक और मटेरियल की कोटिंग करवाते हैं, तो वो कोटिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी अगेन रिसर्च के अंदर है, मतलब बहुत ही वो अप्लाइड बेसिक भी अप्लाइड, ये वाला भी अप्लाई ये जो कह रहे हैं ना मैं वो नहीं हूँ, इसने कहा डॉक्टर शाहद, मैं डॉक्टर शाहद नहीं हूँ, पंजाबी है, इसकी बात का पूरा भी नाना बनाना, ये पंजाबी है, मेरा नाम शाहिद है, एच आई डी आता है, एच ए डी नहीं आता है। ओके तो आप आइए मिनिस्टर है कौन से, इधर ही इधर से मैडम गुल के पास, डॉक्टर गुल के पास हां सर, शारिक सर, डॉक्टर अब्दुल वफा आ रहे हैं जी, अभी तो सेकंड कोर्स वर्क है ना, ठीक है मैम, गुल वफा साहब, यासिर साहब जी जी, मेरे अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं, आप लोग मेरे लाते थे फैमिली बहुत सारे जिम्मेदार रिस्पांसिबिलिटी के साथ बहुत अच्छे जी। और ये सारा विज़िट सिर्फ और सिर्फ भाई शर्जील मेरे कज़न की वजह से हुआ है, थैंक यू सो मच भाई, आप इतने अच्छे डिपार्टमेंट का विज़िट करवाने के लिए, हमारी थिंकिंग इन्हेंस करने के लिए, आज इतनी इज्जत मैंने आपके अपने डिपार्टमेंट में देखी है, लिटरली यू डिज़र्व डैट। इसके बाद मैंने अपनी कज़न को जूलॉजी डिपार्टमेंट का विज़िट करवाया, आज सफाई वगैरह नहीं हुई हुई क्योंकि वीकेंड ऑफ है, ये सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट में ही हो सकता है क्योंकि जो बाकी डिपार्टमेंट तो बहुत नीट थे। ये फ़िश वगैरह वाला एक्वेरियम एक्वाकल्चर लैब जो है मैंने ख़ुद फर्स्ट टाइम देखी और यहाँ से हमें जलील करके निकाल दिया गया, फिर मैं अपनी कज़न को लेके आर्ट डिपार्टमेंट चली गई। आर्ट डिपार्टमेंट इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, इसे देख के बंदा वाओ किए बगैर नहीं रह सकता। जैसे इंटर होते जाए यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें लगी हुई हैं आर्ट्स की, मुख्तलिफ डेट्स ऑल अबाउट टुडे, होप सो आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, ऐसे मज़ीद व्लॉग देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते जाएं। ओके अल्लाह हाफिज़। वैसे ये ढांचा भी सोच रहा है कि मैं आयु भी क्या लेने आया हूँ।